राजस्थान में 10वीं के बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों का 29 मई को इंतजार खत्म हो चुका है। आरबीएसई ने 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल भी एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का कुल रिजल्ट 91.71% रहा, वहीं लड़कों का 89.74% रहा। 10वीं का रिजल्ट इस साल 93.03% रहा। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद से हर ओर बस सिर्फ टॉपर्स की ही चर्चा हो रही है। हर किसी की सफलता और मेहनत की कहानियां सुनने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान में 10वीं के कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें इस परीक्षा में सफलता नहीं मिली है, जो फेल हो गए हैं, जिसके बाद वो छात्र निराश है। लेकिन ऐसे छात्रों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो 10वीं में एक या दो सब्जेक्ट्स में फेल हैं, तो बता दें कि ये स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट का एग्जाम देकर पास हो सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि उनको और नंबर मिलने चाहिए, तो अपनी कॉपियों को रीचेक करवा सकते हैं। इसके लिए सभी छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सभी छात्रों को राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन करना है। बता दें कि जो छात्र कक्षा 10वीं में कम नंबर लाए हैं या अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें स्क्रूटनी का फॉर्म भरना होगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। स्क्रूटनी प्रोसेस कब शुरू होगा और इसके लिए कितना शुल्क देना होगा, इसकी जानकारी के लिए आपको राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके अलावा अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट की कॉपी को लेना चाहते हैं, तो छात्र राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in 2024 पर जाएं। होम पेज पर रिजल्ट्स वाला लिंक क्लिक करें। इसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। यहां RBSC 10th रिजल्ट 2024 लिंक पर क्लिक करें। फिर से नया पेज खुलेगा। यहां आपको एक बॉक्स दिखेगा जहां आपको अपना राजस्थान बोर्ड 10वीं का रोल नंबर भरना होगा। रोल नंबर भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। बस आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद आप रिजल्ट की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस साल 10वीं में 10,62,341 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे। परीक्षा 7 से 30 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। पिछले साल 10वीं का रिजल्ट 90.49% रहा। पिछले साल रिजल्ट एग्जाम के 50 दिन के बाद जारी किया गया। इस साल लोकसभा चुनाव के कारण देरी हुई है और रिजल्ट करीब 60 दिन के बाद जारी किया गया है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।